हेलो दोस्तों, मैं अनु सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ प्लेन इडली और स्टफ इडली की रेसिपी शेयर करी थी। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा इडली की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और आप देख सकते हैं ये कितनी यम्मी लग रही है और बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर मेरे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। पिज़्ज़ा इडली बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे 4 प्लेन इडली, 1 छोटा टमाटर, 1 छोटी शिमला मिर्च, 1 छोटा प्याज। इन सबको मैंने चौकोर चौकोर इस तरह से छोटा छोटा काटा है। इसके अलावा मैंने ली है 10 से 12 फ्रेश बेसिल की लीव्स और 1 टीस्पून फ्रेश थाइम की लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश लीव्स ना हो तो आप मार्केट में जो ड्राई लीव्स मिलती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उनको हमें हाफ हाफ टीस्पून लेना है, हाफ टीस्पून थाइम लीव्स और हाफ टीस्पून बेसिल की लीव्स। इसके अलावा हम लेंगे 8 से 10 जेल पेनो के पीस, हाफ कप पनीर, इसको भी मैंने छोटा छोटा काटा है, 3/4 कप मोजरेला चीज़, चीज़ आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून ऑरिगेनो सीजनिंग, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस और नमक स्वाद अनुसार। अब हम सबसे पहले जो हमारी इडलियां हैं उनको कट कर लेंगे। इन्हें हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए पहले हम इसको हाफ कर देंगे इस तरह से और फिर इसको एक बार और कट कर देंगे और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। अब हम अपनी सारी की सारी जो इडलियां हैं उनको इसी तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, हमारी जो इडलियां हैं वो कट हो गई हैं। अब इसके बाद हम अपनी जो बेसिल की लीव्स हैं उनको कट करेंगे। इसके लिए हम जो लीव्स हैं उनको एक के ऊपर एक रख कर रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी जो लीव्स हैं वो ले ली हैं और उनको एक के ऊपर एक रख दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से रोल कर देंगे। इस तरह से इनको कट करना बहुत ईजी रहता है और ये बहुत अच्छे से कट भी हो जाती हैं। ये देखिए, ये हमारी लीव्स कट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक बार और कट कर देंगे तो ये और ज़्यादा फाइन टॉप हो जाएंगी। ये देखिए, अब हमारी जो लीव्स हैं वो कट हो चुकी हैं। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करा है, आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो प्याज कट कर रखी थी वो मिला देंगे। तो देखिए, जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया है। अब हम इसे फटाफट से जो प्याज है वो मिला देंगे और उसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, जो हमारी प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम जल्दी से जो शिमला मिर्च है वो मिला देंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। अब हमारी शिमला मिर्च भी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और उसको एक बार फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारा पनीर है वो भी लाइट ब्राउन हो जाए। देखिए, हमारा पनीर भी लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें जो टमाटर हैं वो डाल देंगे और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। टमाटरों को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है ताकि वो थोड़ा सा जूसी टाइप के रहें। ये देखिए, हमारे टमाटर भी फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमारा पिज़्ज़ा सॉस था वो मिला देंगे और उसको फ्राई कर देंगे। बस कुछ सेकंड्स के लिए ही फ्राई करना है हमें इसे, पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसके बाद जो हमने इडलियाँ कट करके रखी हुई थी वो इसमें मिला देंगे और उसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमको लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए इनको फ्राई करना है। अब आप देख सकते हैं जो हमारी इडलियाँ हैं वो फ्राई हो गई हैं, लाइट ब्राउन कलर की हो गई हैं वो।
अब हम इस सारे मटेरियल को बीच में एडजस्ट कर देंगे, सारी इडलियों को बीच में कर देंगे और जो वेजिटेबल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर डाल देंगे। और इस तरह से ये हमने इनको बीच में एडजस्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो जेल पेनो है वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। आप चाहें तो और भी किसी तरह की टॉपिंग यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड पेपरिका है, ऑलिव्स हैं, जो भी आपका मन करे वो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने हर तरफ जेल पेनो रख दी है। इसके बाद मैं इसमें ऑरिगेनो सीजनिंग डालूंगी। फिर उसके बाद चिली फ्लेक्स, उसके बाद थाइम और फिर बेसिल। ये देखिए इस तरह से मैंने जो बेसिल और थाइम है उसको हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके बाद जो मोज़रेला चीज़ है वो मैं इन इडलियों पर स्प्रेड कर दूंगी और इसको पूरी तरह से चीज़ से कवर कर दूंगी। आप चाहें तो चीज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। चीज़ डालते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें जो चीज़ है वो इडलियों के ऊपर रहे, नीचे पैन में ना आए। ये देखिए इस तरह से मैंने जो इडलियां हैं उनको अच्छे से चीज़ से कवर कर दिया है। अब हम पैन को लिड से कवर कर देंगे और फिर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो पिज़्ज़ा इडली है वो बनके तैयार हो गई है। तो जल्दी से लेड हटाते हैं और देखते हैं कि वो देखने में कैसी लग रही है। ये देखिए ये हमारी जो पिज़्ज़ा इडली है वो बनके तैयार हो गई है, चीज़ भी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और ये देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो दोस्तों हमारी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी अगर कोई क्वारी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।